आज हम बात करेंगे बजाज ऑटो के बारे में। लगभग ये 3,739 के साथ कामकाज कर रहा है। 6 महीने का पहला के डेटा देखेंगे हम तो ये 6 महीने में सिर्फ 2% के साथ ये बढ़ोतरी में है। साल भर पहले का डेटा देखेंगे तो साल भर पहले ये लगभग 0.47% के साथ घाटे में चल रहा है, लेकिन 5 साल पहले का डेटा देखेंगे तो 5 साल पहले इसने सिर्फ 22% का एक मुनाफा करके रिटर्न बुक करवा के दिया है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करते हैं तो मैक्सिमम रिटर्न कंपनी का 1292 का है। कंपनी की शुरुआत कब से होती है एक बार उस पर नज़र डालेंगे तो कंपनी लिस्ट हुई थी 2022 से, वहाँ से क्रमशः कंपनी अच्छी चली। 2008 में जब मंदी आई तब थोड़ा सा घाटे में गया था, लेकिन वहाँ से अच्छा हलचल दिखाते हुए कोरोना वायरस के समय एक बार करेक्शन पक्का मिला था। बुद्धिमान लोग उसी समय बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे और मार्केट फिर से अचानक से ऊपर चला गया। इस कंपनी में अगर आप कम समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपका इसमें टारगेट कितना होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए 3840 का, जी हाँ, अगले 2 से 3 महीने के दरमियान। अगर आप 5 साल के हिसाब से भी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो 5 साल के हिसाब से आपका इसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश या टारगेट आपका होना चाहिए 4450 का, जी हाँ, बहुत ज़्यादा ना रखें तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और कंपनी के थोड़े से हम फंडामेंटल्स की तरफ बात करेंगे तो मार्केट कैप इसका होना चाहिए 1.08 ट्रिलियन का। पी रेशियो इसका 17.55 है और डिविडेंड डीएल 3.75 है, जो बहुत ज़बरदस्त शानदार नंबर है। इसी के साथ हम कंपनी का थोड़ा सा और डेटा देखेंगे। रेवेन्यू है इनका इस बार का, इस क्वार्टर का, जून क्वार्टर का, जो है 83 बिलियन का। नेट इनकम इनका 11.63 बिलियन का है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखेंगे तो पहले से ऑपरेटिंग एक्सपेंस थोड़ा सा बढ़ चुका है, कंपनी का खर्चा बढ़ चुका है, लगभग 10 बिलियन के साथ है, जो 7.81% के साथ बढ़ा हुआ है। नेट इनकम इनका भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिलहाल नेट इनकम घाटे में है, 11 बिलियन में है और सिर्फ 0.58% घाटे में है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 13.97 है, जो -7% में है। और अर्निंग पर शेयर अच्छा दिखा रहा है, 40.60 का है, जो 10% बढ़ के है। EBITDA इनका 16.06 बिलियन है, जो 10% बढ़ के करा रहा है। इसी के साथ इस कंपनी में अगर आप थोड़े से और डिटेल देखना चाहेंगे तो फिलहाल इसमें तो मौजूद नहीं है, लेकिन इसमें बिल्कुल मौजूद है। तो इसके जो CEO है उनका नाम है राजीव बजाज, और कंपनी शुरू हुई थी 29 नवंबर 1945 को, भारत के आज़ाद होने से पहले भी। हेडक्वार्टर इसका पुणे में है, महाराष्ट्र में, और कंपनी में आज के समय में 10,134 लोग कामकाज कर रहे हैं।